खबर है महाराष्ट्र से। आपको बता दें, महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा डीजल के दाम में भी 3 रुपए लीटर की कमी होगी। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरुवार यानी कि आज मुंबई में अपनी एक सरकार के इस फैसले का ऐलान किया है। सीएम बनने के तुरंत बाद ही एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती का ऐलान किया है, जिस पर अब अमल किया गया है कि आज कैबिनेट की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मीडिया से बातचीत में फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार के खजाने पर 6,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ऐसे फैसले लेगी जिससे भविष्य में लोगों को राहत मिले। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज की बैठक में सरकार ने जनहित में कुछ फैसले लिए हैं। हम समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय करते रहेंगे। हमने कैबिनेट की पहली बैठक में इसकी शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि आज हमने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2021 और 22 मई 2022 को 2 बार ईंधन पर टैक्स घटाया था। दोनों बार केंद्र ने कहा था कि राज्य सरकार को भी टैक्स कम करना चाहिए, लेकिन तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। वहीं यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई भाजपा शासित राज्यों की ओर से उसी दौरान पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि विपक्षी राज्यों का कहना था कि केंद्र सरकार ने जो इजाफा किया था उसे ही वापस ले लिया है और कोई अलग से राहत आम लोगों को नहीं दी है।